आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर 5 समृद्ध संख्या और द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 5.2 करेंगे। तो जिसके अंतर्गत लिखा है प्रश्न नंबर 1 से 2 तक समृद्ध संख्याओं में प्रत्येक का मापांक और गुणांक ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 लिखते हैं, ये प्रश्न नंबर 1 जेड बराबर -1 -i^3, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसका हम मापांक ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए मापांक क्या होता है, ये मापांक तो ये होता है r बराबर मॉड जेड, ठीक ना। और इसका क्या होता है फॉर्मूला, करनी में वास्तविक भाग जेड का वास्तविक भाग का वर्ग प्लस अधिकल्पित भाग का वर्ग, ये होता है। तो हम लिख लेते हैं r बराबर कैसे निकलता है इसका, देखिए ये है वास्तविक भाग -1 का वर्ग प्लस और ये -3 का वर्ग, ठीक है। अधिकल्पित भाग हो गया, ये हो जाएगा -1 का वर्ग वर्ग प्लस करनी 3 का वर्ग, ये 3 हो गया। तो 3 और 1 4, अब वर्गमूल 4 का कितना हो गया, ये 2 हो गया। इस प्रकार मापांक आ गया, जेड का मापांक r बराबर 2 आ गया। अब हमें गुणांक ज्ञात करना है, गुणांक मतलब इसका थीटा हमें ज्ञात करना है, ठीक ना, आर्गुमेंट ज्ञात करना है थीटा। तो देखिए थीटा ज्ञात करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे हम लोग पहले बताया है थीटा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसके दिए हुए समीकरण संख्या के को देखेंगे कि किस चतुर्थांश में स्थित है ये, ठीक ना। तो अगर हम इसको देखें तो देखिए इसका ये अगर वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्म में लिखें तो -1 और ये -3 लिखा हुआ है, ठीक ना। और देखिए किस चतुर्थांश में x और y दोनों का मान माइनस में होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, ये देखिए यहाँ यहाँ ही माइनस होता है, ठीक ना, x का भी मान माइनस y का भी मान माइनस, मतलब ये है तीसरे चतुर्थांश में हम हैं। तो अब हम इसमें अल्फ़ा निकाल लेते हैं, तो अल्फ़ा देखिए क्या हो जाएगा, ठीक ना। पहले हम इसके जो भी समीकरण संख्या दी हुई है हम उसको चेक करेंगे कि किस चतुर्थांश में स्थित है, फिर हम इसका अल्फ़ा ज्ञात करेंगे, ठीक ना। देखिए गुणांक थीटा होता है, हम अल्फ़ा ज्ञात करेंगे, तो ये क्या होता है टेन इनवर्स मॉड इमेजिनरी पार्ट, जेड का इमेजिनरी पार्ट और ये रियल पार्ट, ठीक ना, ये मॉड लगाया, ठीक ना, का अधिकल्पित भाग, जेड का अधिकल्पित भाग यहाँ और वास्तविक भाग यहाँ लिखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका टेन इनवर्स और ये है -3, तो यहाँ लिख देते हैं -3/-1। तो देखिए दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये हमको प्राप्त हुआ टेन इनवर्स करनी 3। तो देखिए अल्फ़ा का मान कितना होता है, मतलब करनी 3 किसका होता है, तो 10/60 पर होता है, तो 60 का मतलब π/3 प्राप्त हुआ हमें, ठीक ना, ये 60 आ गया। अब देखिए हमने इसका अल्फ़ा निकाल लिया और हमने बोला कि ये समीकरण संख्या तीसरे चतुर्थांश में है और हमने देखा कि आप इसको गुणांक ज्ञात करने के लिए हमने एक टेबल बनाया था, उस टेबल को हम यहाँ पे फिर बना लेते हैं, ठीक ना। तो ये देखिए ये लिखा है, ये टेबल था जिसके अंतर्गत पहला ये चतुर्थांश को दिखा रहा था, अगर कोई समीकरण संख्या देखिए ये हो गया सी कॉम्प्लेक्स नंबर समीकरण संख्या, अगर पहले चतुर्थांश में है या दूसरे चतुर्थांश में है या तीसरे चतुर्थांश में है या चौथे में है, ठीक ना। तो पहले अगर चतुर्थांश में समीकरण संख्या है तो हमको गुणांक क्या ज्ञात होता था, ये अल्फा के बराबर ही होता था, ठीक ना, ये हमारा गुणांक ज्ञात हो रहा है, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। और अगर दूसरे चतुर्थांश में हो तो हमको गुणांक क्या होगा, π-α होगा और तीसरे में होगा तो -π-α, ठीक ना, और ये थीटा बराबर -α होता है, ठीक ना। ये हमने प्रश्नावली 5.1 के इंट्रोडक्शन में
पूरा बताया है और ये कैसे आते हैं उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक ना। हम यहाँ पे क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो हम इस टेबल को याद रखेंगे। तो अब देखिए अल्फा का मान पाई बाय थ्री आया है और हमने बोला ये तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो तीसरे चतुर्थांश में अगर हम गुणांक ज्ञात करें तो क्या होगा, माइनस अब पाई माइनस अल्फा होता है। तो हम यहाँ पर अब इसका थीटा ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पाई माइनस अल्फा, मान रख देते हैं यहाँ पर पाई माइनस अल्फा का मान कितना है, पाई बाई थ्री हुआ। तो देखिए तीन एकम तीन, तीन में कम हुआ तो ये टू पाई बाई थ्री हो गया, तो ये हमारा थीटा आ गया। तो देखिए कोणांक आ गया और मापांक आ गया, ठीक ना। तो ये रहा और ये रहा। अब देखिए इसके बाद हमको इस क्वेश्चन में यही दो चीज़ हमको ज्ञात करना था, ठीक ना। मगर हम इसमें इसका ध्रुवीय रूप भी लिख दे रहे हैं, ठीक ना, पोलर फॉर्म लिख दे रहे हैं, ध्रुवीय रूप, ठीक ना, इसी को पोलर फॉर्म बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक ना, ये होता है इसका ध्रुवीय रूप का व्यापक समीकरण लिखा हुआ है। तो लिखेंगे जेड बराबर आर का मान कितना है, ये दो लिखा हुआ है, दो लिख देंगे और कॉस कितना आया इसका, ये लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखा है माइनस टू पाई बाई थ्री प्लस आई साइन माइनस टू पाई बाई थ्री, ठीक ना। तो ये हो गया ध्रुवी रूप हो गया। अब देखिए ध्रुवी रूप बस यही होता है, हम इसको आगे हल नहीं करेंगे, अगर हम इसको हल करेंगे तो फिर ये वापस हमको ये समीकरण संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक ना, इसलिए ध्रुवी रूप इतना ही होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आंसर केवल ये और ये ही है, ये हमने आपको अलग से ध्रुवी रूप लिखना बता दिया है, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए प्रश्न नंबर एक हमने हल कर लिया, अब प्रश्न नंबर दो देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर दो ये है, जेड बराबर माइनस कर्णी तीन प्लस आई, तो हम इसको लिख लेते हैं। पहले हम इसका मापांक ज्ञात करेंगे, तो मापांक क्या होता है, आर बराबर मॉड जेड, है ना, मॉड मापांक ये होता है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, तो बोलते हैं आर ई, है ना, जेड का वास्तविक भाग प्लस आई एम जेड, है ना, अधिकल्पित भाग का वर्ग कर लेते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए आर का मान लिख लेते हैं कर्णी में, देखिए वास्तविक भाग क्या है, माइनस कर्णी तीन का होल स्क्वायर प्लस ये आई का, इसका गुणांक क्या है यहाँ पर, यहाँ पे कुछ नहीं तो ये वन है, तो हम यहाँ पर वन का स्क्वायर कर लेते हैं बराबर, देखिए इसका वर्ग करेंगे तो तीन आ जाएगा और इसका एक का एक, तो इस प्रकार कर्णी चार प्राप्त हुआ, तो चार का क्या लिख देंगे हम, दो, ठीक ना। तो इस प्रकार हमको ये कोणांक ज्ञात हो, मापांक ज्ञात हो गया, ठीक ना, मॉडुलस बोलते हैं इसको, ठीक ना, मॉडुलस ऑफ ऑफ जेड, ठीक ना, या ये हो गया मापांक, मापांक, ठीक ना, इसी को बोलते हैं। अब हमको इसमें कोणांक ज्ञात करना है, कोणांक ज्ञात करने के लिए लिख लेते हैं यहाँ पर कोणांक थीटा, ठीक ना, आर्गुमेंट बोलते हैं इसको, आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक ना, इसी को कोणांक बोलते हैं। अब देखिए इस थीटा को ज्ञात करने के लिए हमने बताया कि आपकी जो भी समय संख्या दी हो आप उसका पहले ज्ञात कीजिए किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए ये है माइनस कर्णी तीन और ये वन, ठीक ना, ये लिखा हुआ है, ठीक ना। तो कर्मित युग में ऐसे लिखा तो हमको पता चला कि यक्स का मान माइनस में है और वाई का मान प्लस में है, तो देखिए यक्स का मान ये माइनस, वाई का मान ये प्लस, मतलब ये हमको इस रूप यहाँ दिया हुआ है, मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक ना। तो ये हमने पहले ज्ञात कर लिया कि ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, अब हम इसका अल्फा ज्ञात करेंगे। तो देखिए अल्फा क्या होता है, टेन इनवर्स जेड का इमेजिनरी भाग और रियल भाग बटे रियल भाग होता है, तो टेन इनवर्स इसमें क्या है, अधिकल्पित भाग एक है बटे वास्तविक भाग माइनस कर्णी तीन लिखा हुआ है, ठीक ना। तो इसको हम लिख लेंगे टेन इनवर्स, ठीक है, माइनस एक बटे कर्णी तीन लिख लेंगे, ठीक ना। अब देखिए मॉड लिखा है तो इसके अंदर जो भी अगर माइनस में कोई संख्या है तो प्लस में बन जाता है और प्लस में है तो प्लस में तो रहता ही है, तो इसको हम इसके आगे लिख सकते हैं
देखिए अल्फा इक्वल टू ये हो गया टेन इनवर्स एक बटे कर्णी तीन, ठीक ना। अब एक बटे कर्णी तीन टेन पर क्या होता है, तीस पर होता है, ठीक ना। टेन थर्टी इक्वल टू वन बाई रूट थ्री होता है। तो इस प्रकार हमको अल्फा कितना आ गया, पाई बाई सिक्स प्राप्त हो गया, ठीक ना। तो पहले हमने इस संख्या का चतुर्थांश चेक कर लिया, दूसरे चतुर्थांश में है, हमने अल्फा ज्ञात कर लिया। और देखिए दूसरे चतुर्थांश में गुणांक कैसे ज्ञात होता है, थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा होता है, इसलिए हम थीटा बराबर लिखेंगे पाई माइनस अल्फा, और अल्फा का मान रख देंगे तो पाई बाई सिक्स, मतलब छः कम छः एक कम हुआ तो फाइव पाई बाई सिक्स, तो ये हमको थीटा भी प्राप्त हो गया, ठीक ना। ये हमको ज्ञात करना था और ये हमें ज्ञात करना था, ठीक ना। तो इस प्रश्न में ये हमको ज्ञात करना था, हम इसका ध्रुवीय रूप भी लिख कर दिखाते हैं, ध्रुवीय रूप। तो इसका ध्रुवीय रूप क्या होता है, जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक ना। तो इसका मतलब जेड का मान कितना आया है, दो आया है, तो लिखेंगे दो, और कॉस थीटा का मान फाइव पाई बाई सिक्स प्लस आई साइन फाइव पाई बाई सिक्स। तो देखिए इसका ये हमने ध्रुवीय रूप भी लिख दिया, ठीक ना। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर दो को भी हल कर लिया। अब प्रश्न नंबर तीन से देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर तीन है, लिखा है प्रश्न नंबर तीन से आठ तक समिश संख्याओं में प्रत्येक को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए, ठीक ना। अब हमको इसका पोलर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए प्रश्न नंबर तीन है, इसमें लिखा है देखिए वन माइनस आई, ठीक ना, इस रूप में लिखा है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, माना जेड बराबर वन माइनस आई, ये लिख लिया। अब हम लोग इसका आर ज्ञात करेंगे, ठीक ना, मापांक ज्ञात करेंगे। इसका क्या फॉर्मूला होता है, मॉड ऑफ जेड, और ये होता है, ये हो गया वास्तविक भाग लिख लेंगे पहले, रियल भाग प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। तो आर का मान कितना निकल जाएगा, रूट अंडर ये वन का स्क्वायर प्लस ये माइनस वन का स्क्वायर, ठीक ना। तो इस प्रकार हो जाएगा, ये देखिए वन का वन और ये माइनस वन का भी वन, तो ये हमको रूट टू आया, ठीक ना। तो आर का मान हमने ज्ञात कर लिया, अब हम लोग गुणांक ज्ञात करेंगे, ठीक ना। थीटा का मान ज्ञात करना है हमको, ठीक ना, गुणांक ज्ञात करना है हमको। गुणांक ज्ञात करने के लिए हमने बोला सबसे पहले जो समिश संख्या दी हो आप उसका चतुर्थांश चेक करिए, किस चतुर्थांश में आ रहा है। तो देखिए इसमें अगर बात करें तो ये है वन और माइनस वन, ठीक ना। आप इसको देखिए किस चतुर्थांश में लग रहा है, इसमें यक्स का मान और ये वाई का मान है, मतलब यक्स का मान प्लस में होना चाहिए और वाई का मान माइनस में होना चाहिए। माइनस का मतलब ये आपका चौथे चतुर्थांश में जा रहा है, ठीक ना, ये यक्स प्लस में और ये माइनस में, तो ये देखिए इसमें आ रहा है आपका, ये है आपका चौथा चतुर्थांश, ठीक ना। यक्स का मान प्लस में, वाई का मान माइनस में, तो चौथे में आ गया, इतना हमको पता चल गया। अब हम लोग इसका अल्फा ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो अल्फा क्या होता है, टेन इनवर्स और मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक। अब हम यहाँ पर रख देते हैं फॉर्मूला, टेन इनवर्स, देखिए अधिकल्पित भाग क्या है, माइनस वन, माइनस वन बटे वन। तो इस प्रकार देखिए क्या आया, टेन इनवर्स ये आया मॉड वन, ये देखिए ये तो वन लिखा हुआ है, ठीक ना। अब माइनस में मॉड लगा है तो ये माइनस हट जाएगा, ठीक ना, माइनस होता है तो प्लस में हो जाता है, तो ये हो गया, ये वन हो गया। तो अल्फा का मान कितना जाएगा, देखिए टेन वन किसका मान होता है, पैंतालीस पर होता है, तो टेन पाई बाई ये फोर प्राप्त हुआ हमको, ठीक ना। अब देखिए हमें गुणांक मापांक दोनों ज्ञात हो गया, इसको मापांक बोलते हैं, ठीक ना, मॉडुलस हो गया और ये गुणांक ज्ञात हो गया, ठीक ना, ये गुणांक है। तो अब हमको ध्रुवीय रूप लिखना है, तो ध्रुवीय रूप क्या होता है, लिख लेते हैं यहाँ पर ध्रुवीय रूप, ठीक ना, इसी को बोलते हैं पोलर फॉर्म। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, लिख लेते हैं, तो ये होता है जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक ना, ये होता है। अब देखिए इसमें
हमने बोला पहले चतुर्थांश चेक कर लिए, चेक कर लिया चौथे में है, फिर हमने अल्फा निकाल लिया। अब देखिए चौथे चतुर्थांश का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए थीटा अगर निकालना हो तो माइनस अल्फा करना होगा, ठीक ना। तो देखिए इसमें यहाँ पे थीटा क्या हो गया, हमारा हो जाएगा माइनस अल्फा होता है, इस प्रकार थीटा बराबर माइनस पाई बाई ये फोर ज्ञात हो गया, ठीक ना। अब हम इस थीटा का मान, सॉरी ये कोणांक नहीं था, ठीक ना, ये कोणांक है आपका, ये है कोणांक, ठीक ना, थीटा में है, ये कोणांक हो गया। तो अब हम इसका दोनों का मान रख देंगे। देखिए ध्रुवी रूप ये होता है, इसमें अगर हमको आर का मान और थीटा का मान ही ज्ञात करना होता है तो जेड बराबर ये हो गया रूट टू और कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है माइनस पाई बाई फोर, ठीक ना, ये माइनस पाई बाई फोर हो गया प्लस आई साइन माइनस पाई बाई ये फोर, ठीक ना। तो ये है पोलर फॉर्म, है ना, पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक ना, दिए हुए समीकरण संख्या का ध्रुवीय रूप दिए रहा, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर तीन हल कर लिया हमने, अब प्रश्न नंबर चार देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर चार में है माइनस वन प्लस आई, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे माना जेड बराबर माइनस वन प्लस आई, और फिर अब इसका मापांक ज्ञात करेंगे आर, आर बराबर क्या होता है मॉड ऑफ जेड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक ना। तो इससे हमारा आर ज्ञात हो जाएगा क्या, देखिए ये है वास्तविक भाग माइनस एक का वर्ग प्लस ये वन का वर्ग हो गया, तो इससे हो जाएगा एक और ये एक, मतलब ये करनी दो प्राप्त हो गया, ठीक ना, ये हो गया कोण, हमको मापांक ज्ञात हो गया, अब हम कोणांक ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा जेड का कोणांक, कोणांक ये थीटा ज्ञात करना हमको। तो थीटा ज्ञात करने के लिए हमने बोला सबसे पहले दी हुई समय संख्या का चतुर्थांश चेक करेंगे, तो इसको देखिए, तो देखिए लिखा ये माइनस वन और ये वन, ठीक ना, ये किस में है, देखिए एक्स का मान माइनस हो और वाई का मान प्लस में आना चाहिए, तो ये हो गया दूसरे चतुर्थांश में ये हमारा, ठीक ना, इसमें आएगा एक्स का मान माइनस में है वाई का मान प्लस में है, तो दूसरे चतुर्थांश में आ गया, इतना पता चल गया। तो अब हम लोग अल्फा ज्ञात करेंगे, तो अल्फा क्या होता है टेन इनवर्स, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बटे मॉड है यहाँ पर, है ना, ब्रैकेट नहीं है, और ये रियल भाग है ना, वास्तविक भाग जेड का, अभी मान रख देंगे हम लोग टेन इनवर्स। अब देखिए इमेजिनरी पार्ट क्या है वन, तो लिखेंगे एक बटे माइनस एक, तो इस प्रकार देखिए क्या आ जाएगा टेन इनवर्स मॉड माइनस एक, ठीक ना, तो मॉड लिखा है तो इसलिए प्लस में बनकर बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स माइन ये वन हो जाएगा, ठीक ना, मॉड से बाहर निकला तो ये हो गया। अब ये वन किसका होता है, तो ये जाएगा टेन पर फाइव फोर पाई बाई फोर पर होता है ना, पैंतालीस पर एक मान होता है, इसलिए पाई बाई फोर हमने लिख लिया। अब हमको थीटा निकालना है, ठीक ना, ये अल्फा है, हमको थीटा निकालना है कोणांक, तो अब हम इसमें देखिए दूसरे चतुर्थांश में क्या फॉर्मूला लिखा है, थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, ठीक ना, तो हम यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस अल्फा का मान कितना है पाई बाई फोर, तो पाई बाई फोर, तो इसको हल करेंगे तो चार एक कम चार, एक कम हुआ तो थ्री पाई बाई फोर, तो ये हमारा थीटा ज्ञात हो गया। अब हम इसका ध्रुवीय रूप देंगे क्योंकि हमको आर और थीटा तो प्राप्त हो ही गया है, तो बस हम ध्रुवीय रूप लिख लेते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है ध्रुव पोलर फॉर्म का, तो देखिए ये होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आर का मान कितना है भाई रूट टू लिखा हुआ है, तो रूट टू लिख लेंगे और कॉस थीटा, थीटा का मान थ्री पाई बाई फोर प्लस आई साइन थ्री पाई बाई ये फोर, ठीक ना, तो ये हो गया आपका ध्रुवीय रूप में हो गया, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर चार भी हमने हल कर लिया, अब प्रश्न नंबर पाँच देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर पाँच है, तो इसको हम भी हल करेंगे, तो इसके सबसे पहले लिखेंगे माना जेड बराबर माइनस एक माइनस आई, फिर इसका हम लोग मापांक ज्ञात करेंगे, तो आर बराबर क्या होता है मॉड ऑफ जेड रूट अंडर रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक ना।
तो आर का मान कितना हो जाएगा, रूट अंडर क्या है देखिए, वास्तविक भाग माइनस वन है प्लस अधिकल्पित भाग भी माइनस वन ही है, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक प्लस एक बराबर ये हो गया दो, आर बराबर करनी दो, ठीक ना। अब हम लोग इसमें कोणांक ज्ञात करेंगे, तो थीटा हमको थीटा ज्ञात करना है, ठीक ना। तो थीटा ज्ञात करने के लिए अब हम थीटा ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए पहले क्या बोले थे हम कि पहले आप इसका चतुर्थांश चेक करिए। तो देखिए एक्स और वाई दोनों माइनस में है, ठीक ना। तो दोनों माइनस किस चतुर्थांश में होता है, ये चौथे में है ना, ये सॉरी ये नहीं, ये इसमें तीसरे में होता है, ठीक ना। ये भी माइनस, ये तीसरे चतुर्थांश में आएगा आपका। अब देखिए हमने इसका चतुर्थांश भी चेक कर लिया, अब हम अल्फा ज्ञात करेंगे। तो अल्फा क्या होता है, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बटे रियल पार्ट ऑफ जेड मान रख देंगे। तो टेन इनवर्स देखिए ये क्या है, माइनस वन है और ये भी माइनस वन है, तो लिख देंगे माइनस वन बटे माइनस वन, ये तो कट जाएगा। तो देखिए क्या आया, वन आएगा इसका, है ना, एक बटे एक है मतलब एक। तो हम इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स वन। अब देखिए वन किसका होता है, अभी इसके पहले भी दो क्वेश्चन में था, तो लिखेंगे अल्फा बराबर पाई बाई फोर, है ना, 45 पर होता है। तो ये हमारा अल्फा ज्ञात हो गया। अब हम देखेंगे तीसरे चतुर्थांश में क्या फॉर्मूला लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर माइनस पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस ये अल्फा का मान पाई बाई फोर लिखा है, लिखेंगे पाई बाई फोर। इस प्रकार चार एकम चार, चार में एक कम हुआ तो थ्री पाई बाई फोर, ठीक ना। तो ये हमारा कोणांक भी ज्ञात हो गया। अब हम इसका ध्रुवीय रूप लिखेंगे, तो ये है ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म है। तो क्या होता है, जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा मान रख देंगे आप। तो आर का मान कितना आया है, रूट टू आया है, तो रूट टू और ब्रैकेट में कॉस थीटा का मान कितना है, माइनस थ्री पाई बाई फोर बटे प्लस आई साइन माइनस थ्री पाई बाई फोर। तो ये हमारा देखिए आ गया पोलर फॉर्म में आ गया, ठीक ना। तो देखिए सारे क्वेश्चन को जब भी आपको पोलर फॉर्म में बदलना हो तो आप सबसे पहले ये मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए, और इनके इसके जो मानक समीकरण है, ठीक ना, स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है ये ध्रुवीय रूप का, इसी पे बस आप मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस टेबल को याद रखिएगा, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 5 हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 ये है, इसमें लिखा है केवल माइनस थ्री, तो इसको हम लिख लेंगे माना जेड बराबर माइनस थ्री प्लस आई जीरो, ठीक ना, समीकरण संख्या के रूप में हम इसको लिख लिए, ठीक ना। अब इसका हम लोग मापांक ज्ञात करेंगे। तो मापांक क्या होता है, आर बराबर मॉड जेड बराबर रूट अंडर ये होता है रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। तो इससे हमारा आर मान कितना हो जाएगा, रूट अंडर देखिए ये है माइनस थ्री, तो माइनस थ्री का स्क्वायर कर लिया प्लस ये जीरो का स्क्वायर कर लिया, तो इससे हमको प्राप्त हो गया तीन त्रिकाई नौ प्लस शून्य, मतलब ये नौ प्राप्त हो गया और नौ का ये तीन प्राप्त होता है। इस प्रकार देखिए हमने ये आर ज्ञात कर लिया, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद अगर हमको कोणांक ज्ञात करना है, कोणांक ये होता है थीटा, ठीक ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब देखिए कोणांक ज्ञात करना है, ठीक ना। तो कोणांक ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया था, सबसे पहले आप दिए हुए समीकरण संख्या को देखिए कि किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक ना। तो अगर हम इसका क्रमित युग्म लिखें तो देखिए क्या आ रहा है, माइनस थ्री और ये शून्य आ रहा है, ठीक ना, माइनस थ्री और शून्य आ रहा है। अगर हम इसको इस पर ड्रॉ करें, ठीक ना, तो देखिए कहाँ आ रहा है, ये देखिए ये रहा है यक्स का मान माइनस में है ना, यक्स और ये वाई है, यक्स का मान माइनस में है मतलब ये इधर को जाएगा, तो ये यहाँ वन टू थ्री ये माइनस थ्री है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर आएगा माइनस थ्री और ये जीरो पर आया, ठीक ना, ये बिंदु यहाँ आ रहा है। अब देखिए अगर ये जो लाइन कहलाती है और ये अक्ष कहलाती है, ठीक ना। अगर ये ऑर्गन तल है तो इसको बोलेंगे कि ये वास्तविक अक्ष है और ये अधिकल्पित अक्ष है, ठीक ना। अगर कोई बिंदु इसी अक्ष पर आए, देखिए ये बिंदु अक्ष पर आया है न कि किसी चतुर्थांश में गया हुआ है,
ये सब चतुर्थांश कहलाते हैं, ठीक ना। इस पर कोई बिंदु होगा तो बोलेंगे ये इस चतुर्थांश में स्थित है, मगर ये अक्ष पर स्थित है। अगर अक्ष पर स्थित होता है तो अब हमको यहाँ पर अल्फा भी ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए इसका हमने इंट्रोडक्शन में छूट गया है, हम यहाँ पर कवर कर देते हैं। देखिए ये है, यहाँ पर जीरो है, ये है पाई बाई टू है, और ये है पाई, ठीक ना, और ये होता है थ्री पाई बाई टू, ठीक ना। तो इसका मतलब थ्री पाई बाई टू मतलब कि 270 होता है, ठीक ना। अब देखिए हमने बोला थीटा का रेंज होता है माइनस पाई से ग्रेटर देन माइनस पाई और लेस देन और इक्वल टू पाई, है ना। तो अब अगर हम इसके आगे अगर थ्री पाई बाई टू लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, पाई बाई टू है तो यहाँ लिखेंगे माइनस पाई बाई टू, ठीक। अगर कोई बिंदु इस पर आए, यहाँ आए, तो हम यहाँ पर थीटा का मान शून्य लिख देंगे, ठीक। अगर कोई बिंदु यहाँ पर आ रहा है तो थीटा का मान पाई बाई टू हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर आया है तो थीटा का मान पाई हो जाएगा, और यहाँ आ रहा है तो थीटा का मान इस बिंदु पर आ रहा है तो माइनस पाई बाई टू लिख देंगे, ठीक ना। इसमें कोई अल्फा ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार यहाँ लिख सकते हैं हम, देखिए ये चूंकि यहाँ पर पड़ा है तो थीटा बराबर पाई हो गया, तो हमारा थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये सिंपल पाई हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए इसके आगे हम केवल ध्रुवीय रूप ही लिखना रह जाएगा, तो ध्रुवीय रूप लिख लेते हैं यहाँ पर, ध्रुवीय रूप। तो किस रूप का होता है ये, जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। आर का मान कितना आया है, थ्री, और ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, ठीक ना। तो ये हो गया ध्रुवीय रूप हो गया, ठीक ना, यही हमको ज्ञात करना था। तो प्रश्न नंबर छः हमने हल कर लिया, अब प्रश्न नंबर सात देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर सात है कर्णी तीन प्लस आई, तो इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, माना जेड बराबर कर्णी तीन प्लस आई, ठीक ना। तो इसका हम पहले मापांक ज्ञात करेंगे, आर बराबर मॉड ऑफ जेड बराबर रूट अंडर, यहाँ रियल पार्ट लिख लेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक ना। वास्तविक भाग जेड के वास्तविक भाग का वर्ग, अधिकल्पित भाग जेड का अधिकल्पित भाग का वर्ग लिखे हैं हम। तो ये आर बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर, ये पहले रूट थ्री का स्क्वायर लिखेंगे प्लस ये वन का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए कर्णी तीन का वर्ग तीन प्लस एक बराबर ये कर्णी चार, तो आर बराबर ये दो आ गया हमारा, ठीक ना। अब हम कोणांक ज्ञात करेंगे, कोणांक क्या है, थीटा। तो थीटा ज्ञात करने के लिए हमने पहले बोला कि इस जो दिया हुआ समय संख्या है उसके चतुर्थांश चेक करिए। तो देखिए ये भी प्लस मतलब पहले चतुर्थांश में गया, ये इसमें जाएगा कहीं, है ना। दोनों यक्स और वाई दोनों का मान प्लस में है, मतलब फर्स्ट में है। अब हम इसका अल्फा ज्ञात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बटे रियल पार्ट ऑफ जेड, तो टेन इनवर्स हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट कितना है वन और इसका कर्णी तीन, तो एक बटे कर्णी तीन लिख लेंगे, और एक बटे कर्णी तीन क्या होता है, ये लिख दिया टेन इनवर्स एक बटे कर्णी तीन अल्फा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई थ्री होता है, है ना, सॉरी सिक्सटी थर्टी पर ना होता है, तो जाएगा पाई बाई सिक्स हो जाएगा, ठीक ना। तो ये 30 पर होता है, 10 30 पर ही एक बटे कर्णी तीन होता है, तो अल्फा का मान हमारा ज्ञात हो गया। अब देखिए ये बोला पहले चतुर्थांश में है, और पहले चतुर्थांश में थीटा बराबर अल्फा ही होता है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं थीटा बराबर अल्फा मतलब पाई बाई सिक्स। अब लिखेंगे ध्रुवीय रूप, तो ध्रुवीय रूप का मानक रूप क्या होता है, जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो आर का मान रख लेते हैं यहाँ पर दो है, और कॉस थीटा का मान पाई बाई सिक्स है, प्लस आई साइन पाई बाई सिक्स हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए प्रश्न नंबर सात का हमने ध्रुवीय रूप लिख लिया। अब एक अंतिम प्रश्न बचा है, उसको हल कर लेते हैं, प्रश्न नंबर आठ देखेंगे अब।
देखिए प्रश्न नंबर 8 है, इसमें केवल आई लिखा है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। माना जेड बराबर 0 प्लस आई, ठीक ना, आई या इसको 1 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया, हमने सीधे समीकरण संख्या के रूप में हम इसको लिख लिए। अब हम इसका मापांक ज्ञात करेंगे। आर बराबर मॉड ऑफ जेड इक्वल टू रूट अंडर रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। तो ये आर बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर ये पहले 0 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस ये 1 का स्क्वायर करेंगे। तो ये हो गया 0 प्लस 1 मतलब करनी 1 मतलब आर बराबर 1, ठीक ना। तो ये हमारा गुणांक मापांक ज्ञात हो गया। अब गुणांक ज्ञात करेंगे, देखिए गुणांक ज्ञात करेंगे थीटा होता है, थीटा। तो इसके लिए पहले हम देखिए चतुर्थांश चेक कर लेते हैं। तो देखिए चतुर्थांश किस में है, 0 और ये 1। तो देखिए चतुर्थांश में नहीं स्थित है, ये अक्ष पर स्थित है। देखिए कहाँ है ये, तो ये पहले x का मान 0 है ना, और y का मान 1 मतलब ये यहाँ, ठीक ना, 1 इतना दूरी है मतलब r बराबर ये 1 हो जाएगा। अब देखिए हमने बोला था यदि अक्ष पर है, अगर यहाँ कोई बिंदु है तो थीटा बराबर यहाँ 0 हो जाता है, अगर यहाँ पर हो तो थीटा बराबर पाई बाई 2 हो जाता है, ठीक ना। यहाँ फिर अल्फा ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और यहाँ होता है तो यहाँ पाई बोला था, और फिर यहाँ थीटा हो तो माइनस पाई बाई 2 बोला था हमने। तो चूंकि बिंदु हमारा यहाँ पर स्थित है तो थीटा बराबर पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो गया थीटा पाई बाई ये 2 लिख लिया हमने। अब हम इसका ध्रुवीय रूप लिख लेते हैं, ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्म जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आर का मान कितना है, आर का मान 1 है, और कॉस थीटा, थीटा का मान माइनस पाई बाई 2। पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक, नहीं माइनस क्यों रहेगा, ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई ये 2 हो गया, ठीक ना। ये 1 अगर हटा दें तो ये जगह कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। तो देखिए ये इसका ध्रुवीय रूप हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए हमारा प्रश्नावली 5.2 समाप्त हो गया। अब हम लोग प्रश्नावली 5.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे।